हेलो एवरीवन, वेलकम टू द होम शेफ। मैं हूं पिंकी और आज हमारे किचन में बनने वाली है शाही वेज बिरयानी। जी हाँ, जिसे हम दम बिरयानी भी कहते हैं। देखिए, लग रही है ना कितनी टेम्पटिंग। और जिन लोगों को लगता है कि पुलाव और वेज बिरयानी में कोई डिफरेंस नहीं है, उन्हें ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के प्याज कट कर लिए हैं। हमें इन प्याज को फ्राई करना है, इसीलिए आपको ये ध्यान देना होगा कि प्याज इवन साइज के कट हों, कोई मोटा या पतला ना हो। नहीं तो जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो जो मोटे प्याज होंगे वो देर से फ्राई होंगे और जो पतले प्याज होंगे वो पहले ही जल जाएंगे। तो अब मैं इन्हें यहाँ पर हाथों से अलग अलग कर रही हूँ, यानी उन्हें सेपरेट कर दे रही हूँ। और यहाँ पर अब हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, तो इसमें मैंने प्याज को फ्राई होने के लिए डाल दिया है। हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए फ्राई कर लेना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए, हमारे प्याज फ्राई हो गए हैं। इस टाइम पर हमें इन्हें निकाल लेना है, क्योंकि बाहर निकालने के बाद भी ये कुछ देर तक कुक होते रहेंगे तो इनका कलर और डार्क हो जाएगा। मैंने इन्हें एक छन्नी में निकाल लिया है और इसी तरह से अब मैं बाकी बचे हुए प्याज भी फ्राई कर लूंगी। तो देखिए, हमारे सारे प्याज फ्राई हो गए हैं। तो जब तक ये ठंडे होते हैं, हम सब्जियों की तैयारी कर लेते हैं, सब्जियों को कट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ मिक्स वेजिटेबल्स लिए हैं, जिसमें है गोभी, गाजर, आलू और बीन्स। गोभी आपको ये हल्की पीली लग रही होगी, क्योंकि मैंने इसे हल्दी और नमक वाले पानी में कुछ देर के लिए रख दिया था, लेकिन ये कच्ची ही गोभी है, इसे मैंने पकाया नहीं है। सब्जियों को आप बड़ा बड़ा ही कट कीजिए, वरना वो बहुत ज़्यादा गल जाती हैं बिरयानी में और फिर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। और आप चाहें तो यहाँ पर मटर भी ऐड कर सकते हैं या फिर अपनी पसंद की कोई और सब्जी भी ऐड कर सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर डाल दिया है धनिया और पुदीना, जिसे मैंने धो के काट दिया है। अब हमें यहाँ पर कुछ स्टैंडिंग मसालों की ज़रूरत है, यानी कि खड़े मसालों की ज़रूरत है। तो इसमें मैंने लिए हैं थोड़ा सा साबुत जीरा, एक मोटी इलायची, एक चक्रफूल यानी जिसे कि स्टार एनिस भी कहते हैं, और है यहाँ पर जावित्री, और कुछ 6-7 दाने काली मिर्च के, और 4-5 लौंग हैं, और 2 छोटी इलायची ली हैं। इसके अलावा मैंने एक इसमें दालचीनी का टुकड़ा भी डाला था, जो मैं यहाँ पर दिखाना भूल गई। आप चाहें तो इन मसालों को पीस के भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ली है 2 हरी मिर्च, जिन्हें मैंने बीच में से कट कर लिया है। और अब यहाँ पर मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा पनीर क्यूब्स। ये घर का बना हुआ पनीर है, बाय द वे, अगर आपने मेरे पनीर की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं। और अब हम डालेंगे कुछ पाउडर मसाले, जिसमें मैंने डाला है नमक और थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और कलर के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा गर्म मसाला। और साथ ही मैंने डाल दी है हल्दी। इसमें मैरिनेशन के लिए हम डाल देंगे दही। 1 कटोरी दही लिया है मैंने यहाँ पर, आप सब्जियों के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब जो हमने प्याज फ्राई करके रखे थे वो भी ठंडे हो गए हैं, तो उन्हें भी मैं यहाँ पर डाल दूंगी। और थोड़े से प्याज मैं बचा लूंगी, जिसे हम बाद में ऊपर से गार्निश के लिए यूज करेंगे। तो अब हमें इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे हाथों से ही मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने सभी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसे फ्रिज में आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 ग्लास चावल लिए हैं, 1 कटोरी भी आप कह सकते हैं, ये बासमती चावल हैं। इन्हें हमें भिगो देना है आधे घंटे के लिए। और एक तैयारी और करनी है, यहाँ पर मैंने दूध में केसर को भी भिगो के रख दिया है। तो आधे घंटे के बाद अब मैंने चावलों को बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें है इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च के दाने और थोड़े से लौंग। और साथ में हम डाल देंगे 1 तेजपत्ता और इन्हें हम बॉईल कर लेंगे। एक बार तेज आंच पर एक बॉईल आने के बाद हम इसे सिम पर पकने देंगे। साथ में मैंने यहाँ पर डाल दिया है नमक, और जो हमने प्याज फ्राई किए थे उसका थोड़ा सा तेल भी हम इसमें डाल देंगे, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। नमक आप यहाँ पर हल्का सा ज़्यादा डालें, क्योंकि हमें इस पानी को हटा देना है। तो जब तक हमारे चावल बॉईल होते हैं, तब तक हम अपनी सब्जियों को भी कुक कर लेते हैं। मैंने उसी पैन में जो तेल था उसे कम कर दिया है, और अब हम इसमें उन सब्जियों को फ्राई करेंगे जिसे हमने मैरिनेट करने के लिए रखा था। एक बार हम इन सभी सब्जियों को हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे, उसके बाद फ्लेम को लो करके हम इसे ढककर कुछ देर के लिए पकने देंगे, जब तक कि हमारी सब्जियां 50% या 60% तक कुक नहीं हो जाती। तो करीब 10 से 15 मिनट हो गए हैं, चलिए हम अपने राइस को चेक कर लेते हैं। राइस हमें 70-80% कुक करने हैं, इन्हें भी हमें पूरा नहीं पकाना है।
आप देख सकते हैं कि चावल पूरी तरह से नहीं गले हैं, इनमें अभी भी एक हल्की कसर बाकी है। तो इस टाइम पर अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हमारी सब्जियां भी अब तक पक चुकी होंगी। तो चलिए चेक करते हैं, सब्जियां हमारी 50-60% कुक हो गई हैं। हमें इन्हें पूरा नहीं पकाना है, नहीं तो वेज बिरयानी की जगह भरता बन जाएगा। तो देखिए सब्जियां पक गई हैं, अब हमें इसकी लेयरिंग करनी है। तो अब मैं यहाँ पर इस पैन के नीचे एक तवा रख दूंगी कुछ इस तरह से। तो जब तक हम इसके ऊपर राइस की लेयरिंग करेंगे तब तक हमारा तवा भी गर्म हो जाएगा। अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इस टाइम पर इसमें से आधी सब्जियां निकाल लीजिए और थोड़े से राइस डालिए और फिर उन सब्जियों को वापस डालिए और फिर बाकी राइस ऊपर से डाल दीजिए। तो इस तरह से आप लेयरिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा बिरयानी नहीं बनाई है, इसीलिए मैं इसे 2 ही लेयर्स में रख रही हूँ। तो जैसे जैसे मैं चावल इसमें छान के डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं जो साबुत मसाले हैं उनको भी बाहर निकालती जा रही हूँ, क्योंकि उनका फ्लेवर इन राइस में आ चुका है। तो जब हम इन्हें खाएंगे तो ये मुंह में आएंगे तो स्वाद खराब होता है, इसलिए हम इसे साथ साथ निकाल देंगे। अब हमें यहाँ पर फ्लेवरिंग के लिए डालना है गुलाब जल। ये खाने वाला गुलाब जल है, मार्केट में इजीली मिल जाता है। इसे मैं यहाँ पर एक ढक्कन डाल दूंगी, आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है वरना कड़वा स्वाद आता है। इसके जगह पर आप केवड़ा एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे वो केसर वाला दूध जो हमने पहले से ही तैयार करके रखा था। और अब मैं यहाँ पर रेड फूड कलर की कुछ ड्रॉप्स डाल रही हूँ, वो मार्केट वाला लुक देने के लिए। इससे बिरयानी में चावल का कोई कोई दाना जब बीच में लाल रंग का आता है तो बहुत सुंदर लगता है, बट आप इसे कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच घी डाल रही हूँ इसमें, घी के बिना बिरयानी का क्या मज़ा। और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने फ्राई किए हुए प्याज बचा कर रखे थे, उसे भी इसके ऊपर डाल देंगे। और साथ में मैं इसमें थोड़ा सा और पुदीना डाल रही हूँ। तो अब हमें इस बिरयानी को दम देना है, इसके लिए आप इसके ऊपर ढक्कन लगाकर उसके चारों तरफ गूंधा हुआ आटा भी लगा सकते हैं या फिर एल्युमिनियम फॉइल से भी उसे रैप कर सकते हैं। मैं इसे कुछ इस तरह से करती हूँ, मैंने इसके ऊपर एक किचन टॉवल डाल दिया है, ऊपर से हम ढक्कन लगा देंगे और इस किचन क्लॉथ को हम ऊपर से रैप कर देंगे। आपको ध्यान रखना है कि नीचे गैस जल रहा है तो ये कपड़ा उस पर टच ना करे। तो इसे मैं कुछ इस तरह से सेट कर दूंगी, आप वीडियो में देख सकते हैं। और इसे हमें कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। स्टीम में राइस अच्छे से पक जाएंगे और उसमें सभी सब्जियों का फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा, लेकिन आपको फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। तो 15 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं हमारी बिरयानी को। वाओ, देखते ही खाने का मन कर रहा है ना, और ढक्कन खोलते ही जो पूरे किचन में खुशबू आती है आप खुद को रोक ही नहीं पाएंगे। तो आप भी जल्दी जल्दी बनाइए ये बिरयानी और इन्जॉय कीजिए इसे दही या फिर अपने फेवरेट रायते के साथ। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उससे आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।